सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर अधिकारी और कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं। मंगलवार को दूसरे दिन हरदोई जिले के पब्लिक सेक्टर बैंकों की करीब 150 शाखाओं और आर्यव्रत ग्रामीण बैंक की 65 शाखाओं में हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताली बैंक कर्मी भारतीय स्टेट बैंक स्टेशन रोड शाखा पर एकत्रित हुए और निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बैंकों के काउंटरों के जरिए होने वाला लगभग 200 करोड़ का लेन देन भी ठप रहा। अधिकारी व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ज्यादातर बैंकों के ताले तक नहीं खुले। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के स्थानीय संयोजक आर के पांडे ने दावा किया कि जिले में हड़ताल पूरी तरह सफल रही। उन्होंने कहा कि दो दिन के अवकाश के बाद इस दो दिन की हड़ताल से देश का आर्थिक चक्का जाम हो गया है। उन्होंने हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कर्मचारी नेता क्षितिज पाठक ने कहा कि बैंकों में जमा 150 लाख करोड़ धन आम जनता का है। अडानी अंबानी बैंक में बचत खाता या FD नहीं खोलते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा पब्लिक मनी पब्लिक के हित के लिए है, न कि कारपोरेट लूट के लिए। बैंक अधिकारी रंजन कुमार व बैंक अधिकारी रूपाली शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र में दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण व कुछ प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों की घोषणा कर बैंक कर्मियों को हड़ताल आदि करने के लिए मजबूर कर दिया है। पूर्व बैंक कर्मी व फिलोसफर डॉक्टर आलोक टंडन ने कहा कि इस बार लड़ाई बैंक मैनेजमेंट से नहीं सीधे सरकार से है, ऐसी सरकार से जो आंदोलन की भाषा नहीं सुनती है। हड़ताल में शामिल लोगों में मुख्य रूप से वेद प्रकाश पांडे, अजय मेहरोत्रा, अनूप सिंह, वर्षा मेहरोत्रा, अनामिका सिंह, प्रिया रस्तोगी, प्रतुल कुमार, सिराज, राजेश सिंह, सुरेश दीक्षित, अनिरुद्ध वर्मा, पंकज, मनीष वर्मा, ऋषिपाल, अनूप सिंह व दीपक वाजपेयी आदि शामिल रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने इस बात की घोषणा बजट सत्र में की है कि वो दो सरकारी बैंकों का निजीकरण करते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों की भी घोषणा की। हम सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं और उनकी इस घोषणा से आक्रोशित हैं। हमने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। हमारा आंदोलन का ये चरण आज 15 मार्च को और कल 16 मार्च को दो दिन की हड़ताल के साथ पूरा हो रहा है। हमारा ये मानना है बैंकों में जमा धन आम जनता का है, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर कॉर्पोरेट। सरकार इस पैसे को कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपना चाहती है जो जनहित के खिलाफ होगा, इसलिए हम इसे कहता दूर। ठीक है, ये सांकेतिक दो दिन का है, इसके आगे की कोई कार्रवाई का? हम दो दिन की हड़ताल के बाद पुनः बैठेंगे और अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। हम इस आंदोलन को थमने नहीं देंगे और निजीकरण को होने नहीं देंगे। धन्यवाद सर। ये बैंक की जो हड़ताल है आज 15 मार्च को, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो सारी गलत दिशा में जा रही है। अभी तक बैंक के मर्जर की जहां तक बात थी, जो उन्होंने ज़बरदस्ती किया हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि जो भी इनके इन लोगों पे या लागू कर दिया जाएगा हम उसको मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जागने का समय है, न केवल हमारा बल्कि जनता का भी, क्योंकि ये हड़ताल हमारी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है, जनता के लिए है, उनके पैसों के लिए है। अगर ये बात जनता समझ जाएगी तो हमारी हड़ताल भी जो है वो सफल रहेगी। और मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि भारी से भारी मात्रा में जो है वो अपोज करें गवर्नमेंट की नीतियों का, क्योंकि गवर्नमेंट की किसी भी नीति, अभी तक हम लोगों से उन्होंने नोटबंदी करवा ली, जनधन के खाते खुलवा लिए, क्या इसी का इनाम दिया जा रहा है निजीकरण करके? अभी तक इतना जो हम लोग किस नीति में असफल हुए हैं जिसकी वजह से निजीकरण किया जा रहा है? इस बात का जवाब अगर हमें सरकार दे दो तो हम निजीकरण को भी साथ स्वीकार कर लेंगे। किस चीज़ में हम लोग कम है जिसकी वजह से निजीकरण के लिए सरकार बढ़ रही है? तो मैं जनता से भी जवाब मांगती हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी जवाब मांगती हूँ। मेरी जवाब का ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।